नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत 15 अक्टूबर को हुए जानलेवा हमले के मामले में थाना पुलिस द्वारा शुक्रवार की भोर में आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। उसके पास से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया गया। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्त ने ऊपर दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर की शाम करण यादव पुत्र सजनू यादव को मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा गोली मार दी गई थी, जिसमें घायल के भाई संजय यादव ने कोतवाली में 3 लोग के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस द्वारा मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी गिरफ्तारी है तो पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर 4 टीमें गठित की गई हैं। इसी क्रम में शुक्रवार की सुबह लगभग 3 बजे कोतवाली प्रभारी शशि मौली पांडे ने मुखबिर की सूचना पर हरैया पुलिया के पास पहुंच अभियुक्त को आत्मसमर्पण के लिए कहा। इस बीच रोशन सिंह उर्फ हिमांशु पुत्र इंद्रासन सिंह स्थायी निवासी गहजी थाना अरौला वर्तमान RTO ऑफिस में खुद को पुलिस से भिड़ता हुआ देखकर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लग गई। पुलिस ने अभियुक्त को हिरासत में लेकर इलाज के हेतु जिला चिकित्सालय में भेज दिया। पुलिस के अनुसार घटना के दिन घायल रोशन यादव ने बताया कि अमन सिंह व अंकित यादव एक मोटरसाइकिल पर तथा दूसरे पर अन्य लड़के भी गए थे, जिसे अमन सिंह ने बुलाया था। आरोपी ने बताया कि अमन व मेरा करण यादव के घर पर आना जाना था। कुछ दिन पहले ही अमन के साथियों ने मारा पीटा था, जिसके बदले के लिए अन्य लोगों के साथ मिल जान से मारने की नीयत से करण यादव पर गोली चलाई गई थी। गिरफ्तार अभियुक्त रोशन सिंह के ऊपर जनपद सहित प्रदेश में अन्य जनपदों में एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं। मुठभेड़ में घायल रोशन सिंह के ऊपर 12 बंकी। आज सुबह थाना कोतवाली क्षेत्र में हरैया पुलिया के पास पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें रोशन नाम के बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है। इस बदमाश से तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। 15 अक्टूबर को करण नाम के लड़के को गोली लगी थी व उसकी हत्या का प्रयास किया गया था, जिसमें यह बदमाश वांछित चल रहा था। यह बदमाश अरौला क्षेत्र का रहने वाला है व एक दर्जन मुकदमे इसके ऊपर पंजीकृत हैं। इसके शेष साथियों की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी व इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट, प्रॉपर्टी जब्तीकरण व गैंग पंजीकरण की कार्रवाई भी शीघ्र की जाएगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।